लक्षल कोटि संवत्सरानिकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदायम उंदि मनं नीळ्ळल्लो मुनिगिनप्पुडु मन प्रांतानिकि 10,000 कोट्लु इच्चि ప్రతి పేద కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడానికి ఒక 50,000 రూపాయలు ఇచ్చినుంటే వర్షాలలో వరదలలో మునిగిపోయి జీవితాంతం కష్టపడి కొనుక్కున్న మంచాలు టీవీలు ఫ్రిడ్జ్లు గ్రైండర్లు పిల్లల చదువుకునే పుస్తకాలు ఉప్పు పప్పు బెల్లం చింతపండు మంచినూనెతో సహా సర్వం నీళ్ళలో మునిగిపోతే మనకి ఏమాత్రం ఆర్థిక సహాయం చేయని ఈ బీజేపీలకు ఓటు వేయాలా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఇయాలా అందుకే మిత్రులారా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మన అహ్మద్ను నాకు అండగా ఉంటాడు జీహెచ్ఎంసీలో కొట్లాడడానికి నాకు తోడుగా ఉంటాడు మీ తరపున కొట్లాడతాడు నాకు అండగా నిలబడతాడు అని చెప్పి ఈ రోజు అహ్మద్కు ఇక్కడ మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి అవకాశం ఇచ్చినాం భాయ్ భైనో మై ముస్లిం భాయ్సే ఏకి గుజారిష్ హై మేరా కాంగ్రెస్ పార్టీ इस बार एक माइनॉरिटी बच्चे को एक माइनॉरिटी नौजवान को एक मौका दिए इस बार अगर सचमुच टीआरएस या और किसी ने कोई सेक्युलर रहा तो ये पूरा कुकटपल्ली में किसी को दिया क्या आप लोग सोचो जो ये फतेहनगर में हम लोग जान पूछ कर हिंदू मुसलमान भाई भाई है कदम कदम मिलकर चलाने के लिए ये हैदराबाद शहर तरक्की के लिए अहमद को हम लोग कारपोरेटर टिकट दिए आज आप देख रहे कैसे माहौल बन गए हैदराबाद में अकबर साहब वे कहता बीजेपी बांडी संजय दूसरे कहता अभी मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी अमित शाह जी से 7 साल से आप ही का सरकार चल रहा है ये 7 साल में कभी ये हैदराबाद शहर में है सो गरीब लोगों के लिए कभी सोचा क्या कम से कम ये कहना चाह रहे ना भर रहे ना तो भी गरीब लोगों को देने के लिए कभी आपके दिमाग में सोच भी आया क्या मगर आज के तारीख में आपको वोट लेने के लिए बार बार हैदराबाद को आ रहे इन लोगों का एक ही मकसद है उन लोग कुछ काम नहीं है कुछ कारोबार नहीं करे मगर उन लोगों का एक ही आदत है हमेशा चाहे अहमदाबाद में जैसा काम किए हैदराबाद में वैसी हरकत करने के लिए आज बीजेपी कोशिश कर रहे मुसलमान भाइयों सोचो अभी हैदराबाद में क्या होने वाले हैं अगर बीजेपी इस चुनाव में माइनॉरिटी लोग आप अगर कार को टीआरएस को वोट डाले तो यहाँ पर बीजेपी वाले जीतने वाले अगर इधर बीजेपी वाले जीते तो हिंदू मुसलमान के बीच में जहर पहला के हिंदू मुसलमान लड़ाई लगा के आपस में अपन एक के पीछे एक चूरा लगाना चूरा मारने के लिए चूरा भोंकने के लिए बीजेपी वाले कोशिश कर रहे इसीलिए मैं मेरा गुजारिश है ये जो शहर को आने के लिए अमित शाह आदित्य योगी आदित्य और भूपेंद्र यादव ये उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से बिहार से राजस्थान से महाराष्ट्र से कर्नाटक से सब वस्तानों को बीजेपी वाले हैदराबाद में ला रहे उन लोगों का काम एक ही है हिंदू मुसलमानों के बीच में जहर फैला के पूरा कम्युनल वायलेंस करवाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे इसीलिए मैं मेरा गुजारिश एक ही है आप लोग सोच के कांग्रेस पार्टी को वोट दो जहां पर एमआईएम है जहां पर सदर असद साहब जहां पर उन्हें चुनाव में है मेरे मुसलमान भाइयों को अगर देना है तो एमआईएम को वोट दो जहां पर एमआईएम नहीं है वहां पर कांग्रेस पार्टी को वोट दो जहां पर असद भाई वोट नहीं मांग रहा जहां पर असद भाई वोट नहीं मांग रहा अकबर भाई वोट नहीं मांग रहा वो जगह में चुन चुन के गिन गिन के कांग्रेस पार्टी के साथ कदम कदम चले ये हिंदुस्तान को एकता करने में एकता साथ में रहकर चलाने में खाली कांग्रेस के लिए जो ये कांग्रेस चला सकते और किसी पार्टी का हक नहीं है जब हिंदू मुसलमानों को जोड़ने का काम हमारा है कांग्रेस पार्टी का है अगर आप लोग टीआरएस पार्टी को वोट दिए बार बार तीन बार दिए
2014 में, 2018 में, 2019 में असदुद्दीन अकबर भाई का बात सुन के कार को आप वोट डाले। ये कार यहाँ से निकल के यहाँ पर माइनॉरिटी भाइयों का, मुसलमान भाइयों का, क्रिश्चियन भाइयों का, सिख भाइयों का वोटा लेकर हैदराबाद में, हैदराबाद से निकल के ऐसे कर दिल्ली जाके कमल बन रहा है। पार्लियामेंट में हर वक्त में